अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पालक के पकोड़े। और ये बहुत ज़बरदस्त बने पालक के पकोड़े, बिल्कुल क्रिस्पी पालक के पकोड़े। किस तरीके से बनाना, तो आइए दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने पालक को मैंने लिया हुआ है एक पाव के करीब पालक, मैंने इसे धो लिया है और इस तरीके से काट लिया है। और हमने बाकी के जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, यहाँ पर हमने बेसन लिया हुआ है, और ये बेसन हमने एक कप बेसन लिया हुआ है, और आपके घर में जितने लोग हों उसी अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने हींग लिया हुआ है आधा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, हल्दी लेंगे, और हमने पांच मिर्चे को इस तरीके से काट लिया। अगर आप तीखा खाना चाहते हो तो आप और भी मिर्चे ले सकते हैं, मिर्चा और नमक अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं इसे। तो बेसन में हम सभी को थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, और इसे हल्का सा हम इसे फेंट लेंगे बिना कुछ डाले हुए, ताकि जो हमारे पकौड़े हैं बिल्कुल वो मुलायम और क्रिस्पी बने, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से जो पकोड़े के पालक के पत्ते वो क्रिस्पी रहे। तो ये ट्रिक है, आप पानी डाल के इससे पहले आप फेंट लें, उसके बाद जो हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसे डाल देंगे, हल्दी, मिर्चा, हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी को डालने के बाद 5 मिनट हम इसे फिर फेंटेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो 5 मिनट डाल के हम इसे फेंट लेते हैं। अगर आप एक साथ मसाले डालने के बाद पानी डाल के फेंटेंगे तो आपके पकौड़े थोड़ा सा टाइट बनेंगे, इसलिए आप पहले पानी डाल के बेसन को फेंट लें, उसके बाद ही आप मिर्चे नमक को डालें। अब हम इसी में इतना सा थिक आपको रखना है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पालक जो हमने काट के रखे हैं, और इसे इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, और इसे हाथों से मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से, क्योंकि पालक अपना भी पानी छोड़ता है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करना है पूरे बेसन में। तो अच्छे से बिल्कुल इसे हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, 2 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे। और ये लीजिए, हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने गैस के फ्लेम पे तेल रख दिया है, तेल को हमें बिल्कुल गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे। गरम करने के बाद हम इसमें एक थोड़ा सा पकौड़े डाल के देखेंगे, चेक करके कि ये तेल हमारा गरम हुआ है या नहीं। और ये देखिए तेल गरम हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे ही डाला ये ऊपर आ गया तैर के। तो अब हम आंच की फ्लेम को कम कर देंगे और इससे हम पकौड़े डाल देंगे। जब भी आप पकौड़े डालें तो गैस की फ्लेम को कम कर दें, ताकि आपके पकौड़े जले ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी हों। तो हम इसे कम आंच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे, बिल्कुल गोल्डन कलर इस पर हमें लाना है, जिस तरीके से हम घर में पकोड़े बनाते हैं। मैंने आप लोग के साथ प्याज के पकोड़े भी शेयर किए, उसी तरीके से आपको इसको फ्राई करना है। नीचे की जब हो जाएगा तो अपने आप ये पकोड़े ऊपर तैर के आ जाएंगे तेल के ऊपर, उसके बाद हम इसके साइड को चेंज कर देंगे। और आपको ये पकोड़े बिल्कुल ही कम आंच पे करना है, तकरीबन आपको 10 मिनट लगेगा इसे फ्राई करने में। चलाते रहना है ताकि हमारे पकौड़े एक बराबर गोल्डन हो। इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया, और ये देखिए कितने मजे के हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़े, हमारा हौसला अफजाई करें, दुआओं में याद रखें। इसे नैपकिन पेपर में निकाल लेंगे। अल्लाह हाफिज़।